मैं सबसे पहले तो इसका जो भवन फेज वन बना था, उस दिन आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि जल्दी ही हम इससे भवन फेज टू का भी लोकार्पण करेंगे। तो भाइयों बहनों, आज वो बात बिल्कुल सत्य हो गई और जिसका शिलान्यास हुआ उसका लोकार्पण भी हो गया। मैं उससे आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय ज्योतिरादित्य जी का जो लगातार हमारी देवभूमि के साथ जिनका रिश्ता है, आज इस लोकार्पण के अवसर पर उनके अथक प्रयासों से जो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर पहले फेज वन शुरू हुआ, फिर पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ हुई, अन्य सेवाएं प्रारंभ हो रही हैं तेजी से, अन्य शहरों के लिए भी जो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं उनको भी भविष्य के प्लानों में वो लगातार सम्मिलित कर रहे हैं। मैं उनका आप सबकी तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। साथ ही हम सब जानते हैं कि वो अत्यंत ही ऊर्जावान हैं, लगनशील हैं। उनके नेतृत्व में आज जो नागरिक उड्डयन विभाग है बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद किस प्रकार का संकट जहां देश की सभी व्यवस्थाओं पर आया था, उसमें नगर विमानन विभाग बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा था, बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने खड़ी हो गई थी। ऐसे समय में उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और जब मैं उनसे मुख्य सेवक के रूप में, जैसा उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल पहले एक बैठक में मिला, तभी मैंने अनुभव किया कि उन्हें अपने विभाग के कामों की बहुत एक एक छोटी से छोटी जानकारियां तो हैं ही, साथ में उनके अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा भी है। और मैं उनकी ऊर्जा से और जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी तरफ भी ट्रांसफर होती है, जिसके कारण से हम सब लोग तेजी से काम कर पाते हैं। मैं वर्तमान में भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग अमेरिका और चीन के बाद घरेलू यातायात में 3रे स्थान पर आ गया है। इसके लिए भी मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, पूरे विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाई बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जहाँ एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक आम नागरिक को भी हवाई सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अभी तक रेल द्वारा यात्रियों की जो पहली पसंद रेल रही है, अभी तक रेल में सर्वाधिक यात्रा होती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से हवाई सेवाएं आम व्यक्ति के लिए आसान हुई हैं, तो हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के साथ साथ लोगों में अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच है उसी का परिणाम है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना 2013 में आपदा के दौरान हुई थी उत्तराखंड के अंदर, और परंतु हमने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारे सामने भी चुनौती थी, उस चुनौतियों का भी सामना करते हुए अवसरों में बदलने के लिए लगातार प्रयास किया है। आज प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा देवभूमि की देवतुल्य जनता के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार अतिथि देवभाव के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रदेश के बाहर के लोगों को भी सस्ती हवाई सेवा देने का काम हमारा यहाँ का ये प्राधिकरण कर रहा है। इससे जहाँ एक ओर हमको राजस्व की प्राप्ति हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को सरल एवं सस्ती एवं सुगम जो हवाई सेवाएं हैं वो लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार के उड़े भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट का निर्माण सहजदारा, चिन्यालीसौड़, गौचर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ, धारचूला, हरिद्वार में किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारा राज्य धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और हर वर्ष पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का ये प्रयास है
कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को राज्य में आने पर आवागमन की हर सुविधाएं मिले, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और हर प्रकार से सहजता से वो अपनी यात्रा पूरी कर पाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हवाई सेवाओं का है। भाइयों बहनों, हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत ही आज ये टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, नए टर्मिनल का। इसी के साथ साथ अभी हम सब लोग सुन रहे थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अन्य दो एयरपोर्ट भी तेजी से विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी निर्माण कार्य आगे निकट भविष्य में प्रस्तावित है। पंतनगर एयरपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर एक बड़ा सिटकुल है, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और पूरे कुमाऊं क्षेत्र और मानस खंड के लिए एक द्वार है वहाँ भी, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे उसका कर लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भी जो औपचारिकताएँ होनी थी वो सभी औपचारिकताएँ कर ली गई हैं। पिछले माह मेरे द्वारा और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मार्गदर्शन में हमने जॉली ग्रांट से पिथौरागढ़ के मध्य हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया है। मैं इस अवसर पर सिंधिया जी से, क्योंकि वैसे तो उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सब उत्तराखंड के बारे में भी जानते हैं और जो हम उनसे मांगते हैं उससे पहले ही वो दे देते हैं। वो कहते तो हैं कि हर बार मैं, क्योंकि उनको जब भी फ़ोन करता हूँ तो उनको अवश्य पहले से ये याद होता है कि उत्तराखंड में क्या काम करना है। तो मैं आपसे आज अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो पिथौरागढ़ और हिंडन के बीच भी हवाई सेवा अगर प्रारंभ हो जाएगी तो ये जो हमारा पूरा हाथी निकल गया है, जो आपने देहरादून से पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ करवा दी है, तो उसकी पूछ भी निकल जाएगी और सीमांत के क्षेत्र दिल्ली और देहरादून दोनों से कनेक्ट हो जाएंगे। पूर्व में हमने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के मध्य जो हेली सेवा शुरुआत जिसकी की थी उसको भी नियमित रूप से चलाने की हमारी योजना है। बीच बीच में कभी कभी कुछ व्यवधान आ जा रहा है, तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे एयरपोर्ट से जुड़े हुए, प्राधिकरण से जुड़े हुए, अन्य एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि पहाड़ों में सफ़र बड़ा कठिन होता है और यात्रा के लिए जब टिकट ले लेते हैं, अपना सारा आगे का प्लान कर लेते हैं, एंड मोमेंट पर अगर कभी वो सेवा रुक जाती है या बीच में डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे उनके आगे के काफ़ी कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए सेवा भी सुचारू रूप से हो उसके लिए हम सबका प्रयास अवश्य होना चाहिए और निकट भविष्य में चिन्यालीसौड़ व गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार से भी हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ महीने पूर्व ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने जागेश्वर धाम के दर्शन किए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं की, आस्थावान लोगों की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे हमारे चार धाम हों, चाहे वो माड़ा से लेकर वाइब्रेंट विलेज माड़ा, नीति मलारी, गुंजी, ऐसे स्थान हों देश विदेश में, उन सभी को एक नई पहचान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो देश के लिए काम किए हैं वो भूतों न भविष्य की। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में वर्ष भर विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं वह भी आती हैं और हर वर्ष हमको किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो, अधिक बर्फबारी हो, अनेक प्रकार की जो आपदाएं हैं वो हर वर्ष हमको कहीं ना कहीं किसी रूप में हमको अव्यवस्थित करती हैं। इसके चलते हमारी हवाई सेवाओं का उपयोग विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं, जैसे भूस्खलन, भूकंप, जंगल की आग, बाढ़ आदि के समय राहत कार्य एवं बचाव कार्यों के लिए, साथ ही जो राहत सामग्री है उसके वितरण आदि के लिए भी हवाई सेवाएं बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं। इस हेतु मैं आदरणीय सिंधिया जी से एक विशेष अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आपदा के समय में एक हेलीकॉप्टर, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लगा हुआ है, अगर उस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे यहाँ भी आपदाओं के काम में, राहत के काम में, बचाव के कार्य में
हम सबको बहुत मदद मिल पाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हेलीकॉप्टरों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रयास हैं उन प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए प्रदेश के अंदर चार्टर एवं शटल सेवा भी चलाई जा रही है। इससे शारीरिक रूप से जो असमर्थ हमारे श्रद्धालु हैं उनको देव दर्शन का सौभाग्य सस्ती दर पर सरलता एवं बहुत सुगमता से प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के अंदर हवाई सेवाओं को बढ़ाए जाने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के अतिरिक्त अन्य हेलीपोर्टों का भी निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके द्वारा गौदियाना घनसाली में, गैरसैंण, चमोली, देघाट, सियालदे, अल्मोड़ा में, जखोल एवं जोशियाड़ा, उत्तरकाशी, डीडीहाट, पिथौरागढ़ में भी इनका निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे द्वारा प्रदेश के जो बहुत सारे स्थान पर्यटन के केंद्र हैं उनके दर्शन के लिए भी जायब राइड सेवा तथा हिमालय दर्शन सेवा भी प्रस्तावित की गई है। निकट भविष्य में जल्दी ही यह सेवा भी हमारी मसूरी से, अन्य स्थानों से, जहाँ से भी स्थान उपलब्ध होंगे वहाँ से हम ये सेवा प्रारंभ करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और अधिक तेजी से लोग यहाँ देव दर्शन के लिए, हमारे यहाँ के सभी देवों के दर्शन के लिए चार धामों समेत आदि कैलाश से लेकर जागेश्वर धाम, पूर्णागिरी मैया, हाट कालिका, अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हम जो चार धाम यात्रा हमारी कुछ महीने रुकती है, 6 महीने चलती है, उस समय में भी जब यात्रा सीजन नहीं होता है उस समय में भी लोग उत्तराखंड आकर अपने देव दर्शन कर सकते हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ना भी हमारा जो राज्य का हमने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, यह भी हमारा एक विकल्प रहित संकल्प है। इसमें भी अधिक से अधिक जितनी सुविधाएं हो सकती हैं हम उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हमको लगातार भारत की सरकार के द्वारा लगातार हमारा सहयोग भी किया जा रहा है और हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमारे राज्य की आवश्यकताएं हैं, उनको निरंतरता से आगे बढ़ाने का काम, स्वीकृति प्रदान करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और नगर विमान विभाग के द्वारा भी लगातार हमको हर संभव सहायता भी की जा रही है, स्वीकृति भी दी जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना जो विकल्प रहित संकल्प है वो नगर विमान के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अवश्य पूरा करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी को आज नए टर्मिनल के उद्घाटन की शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद करते हुए मैं कि निकट भविष्य में भी उनके द्वारा जो काम शुरू किए गए हैं वो तेजी से हमको नगर विमान विकास विभाग लगातार हमको सहयोग प्रदान करेगा और इसी प्रकार से नए नए अवसर हमको प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।